नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। वैसे तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन लड्डू गोपाल नाम से जुड़ी कहानी आज मैं आपको सुनाती हूँ। बहुत समय पहले ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही परम भक्त हुआ करते थे, जिनका नाम कुंभन दास जी था। उनके पास भगवान श्री कृष्ण की एक बांसुरी बजाती हुई प्रतिमा थी, जिनकी वह दिन रात सेवा किया करते और उस मूर्ति को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर वह कहीं चले गए तो ठाकुर जी की सेवा ठीक से नहीं हो पाएगी। एक दिन उन्हें भागवत पढ़ने का न्योता आया। वे जाना तो नहीं चाहते थे, परंतु लोगों के बहुत आग्रह करने पर उन्हें जाना ही पड़ा। 4-5 दिनों तक उन्हें सुबह से शाम भागवत करने जाना था, तो जाने से पहले उन्होंने अपने बेटे, जिसका नाम रघुनंदन था, उससे कहा कि मैंने भोग बना दिया है, तुम ठाकुर जी को भोग लगा देना। यह कहकर वो चले गए। जब भोग लगाने के लिए रघुनंदन ने भोजन की थाली श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने रखी और भोजन करने का आग्रह किया, तो उसने देखा कि भोजन तो वैसे का वैसा ही रखा था। वह तो रोने लगा। उसे डर था कि भगवान को भोजन न कराने पर पिताजी उसे डांटेंगे। उसने श्री कृष्ण से कहा कि आप भोजन करने क्यों नहीं आ रहे, पिताजी मुझसे नाराज हो जाएंगे। बालक अबोध था, वह नहीं जानता था कि पिताजी ईश्वर को भोग कैसे लगाते हैं। वह जिद पकड़कर बैठ गया कि जब तक आप भोजन नहीं करेंगे, तब तक मैं भी बिल्कुल भूखा ही रहूंगा। परंतु भगवान नहीं आए। भूख से रघुनंदन व्याकुल हो गया और रोते हुए भगवान से भोजन करने का आग्रह करने लगा। उसने कहा, मुझे बहुत ही भूख लगी है, आप भोजन करने आइए, तभी मैं भोजन कर सकता हूँ। बच्चे का भोलापन और प्रेम देखकर श्री कृष्ण बाल रूप में प्रकट हो गए। यह देख रघुनंदन प्रसन्न हो गया। शाम को कुंभन दास जी के घर लौटने पर जब कुंभन दास जी ने पूछा कि ठाकुर जी को भोग लगाया, तो रघुनंदन ने जवाब दिया हाँ। उनके प्रसाद मांगने पर पुत्र ने बताया कि ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया। तब कुंभन दास जी ने सोचा कि बच्चे को बहुत भूख लगी होगी, इसलिए उसने खुद ही सारा भोजन खा लिया। अब तो जैसे ये रोज का नियम सा बन गया। कुंभन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब भी कुंभन दास जी प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन तो ठाकुर जी ने खा लिया। कुंभन दास जी ने सोचा कि बेटे का झूठ पकड़ना ही होगा, और उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुपकर देखने लगे। रघुनंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को पुकारा। ठाकुर जी बाल रूप धारण करके लड्डू खाने के लिए प्रकट हो गए। यह देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिर गए। उस समय ठाकुर जी के हाथ में लड्डू था और दूसरा लड्डू उनके मुख में जाने ही वाला था, लेकिन कुंभन दास जी के आने पर उन्होंने एक प्रतिमा का रूप ले लिया और जड़ हो गए। कुंभन दास जी रोते हुए बोले कि हे ईश्वर, मैं हमेशा आपकी भक्ति करता रहा, परंतु आपने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए। पर ये बालक जो भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानता, आपने उसे दर्शन दे दिए, ये आपकी कैसी लीला है प्रभु। तब आकाशवाणी हुई कि बालक का मन सच्चा है, उसका मन निर्मल है, इसके मन में किसी के लिए कोई भी छल कपट नहीं है, इसलिए मुझे आना पड़ा। जो भी मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। लड्डू हाथ में लिए हुए जिस रूप में श्री कृष्ण ने प्रतिमा का रूप ले लिया था, उसी रूप को लड्डू गोपाल कहा जाने लगा। इसी रूप में उनकी पूजा होने लगी।
तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरीके की रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।